सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था, तुम हमेशा दोबारा शुरुआत कर सकते हो। जब आप गुस्से में हो तो कोई निर्णय ना लें और जब आप बहुत खुश हो तो कोई वादा ना करें। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। घर छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर का माहौल जरूर अच्छा होना चाहिए। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता। आज का पंचांग 28 जुलाई 2020, दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात्रि 2:59 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र सुबह 9:41 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 3:43 से 5:22 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:55 से 46 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर रात्रि 2:49 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 28 जुलाई 2020, दिन मंगलवार, आपके माता पिता या सलाहकार को अभी किसी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इस समय संबंध जटिल हो सकते हैं, जैसे आप खुद को नजरअंदाज महसूस करेंगी। काम में आपकी प्रतिभा को नोटिस किया जाएगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, विशेष रूप से ऐसी कोई चिंता जो आपको परेशान कर रही है। आज वह दिन है जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल दिमाग पर हावी हो सकता है जिससे सही दिशा प्राप्त होगी। प्यार अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ हर पल को जीना आध्यात्मिक अनुभव है। सपने देखे सपने विचारों में बदलते हैं और यही विचार सफलता की ओर बढ़ाते हैं। आज किसी भी कार्य में दिल के बजाय दिमाग की आवाज को अधिक प्राथमिकता दें। आपको नई संभावनाएं प्राप्त होने वाली है। अचानक से ही कोई रुके हुए पेमेंट आने से आर्थिक स्थिति और अधिक बेहतरीन होगी। आज के दिन आपके लिए पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। यदि किसी के लिए मन में कड़वाहट हो तो उसे माफ जरूर करें, इससे आपकी मेहनत बेहतर होगी और आपके कर्म अच्छे होंगे। वैसे चिंता ना करें, परिस्थिति जल्द ही अनुकूल हो जाएगी। परिस्थिति के प्रति अनाशक्ति का भाव रखें, इससे आपको लाभ होगा। नकारात्मक सोच से बचे और नकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहें। सावधानियां, किसी भी तरह की यात्रा को स्थगित रखें क्योंकि कोई सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना नहीं है, बल्कि नुकसान की स्थिति बन रही है और किसी से संबंध भी खराब हो सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लाइफ की किसी भी स्थिति में आप अपने साथी पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। अपनी मानसिक शक्तियों और आत्मविश्वास से आप पूरा संसार जीतने का समर्थ रखते हैं। अपनी चाहत का परिणाम देने के लिए तैयार रहें। इसके लिए अपने प्रिय को उपहार दें या एक दूसरे के लिए कुछ अलग करें। आप अपनी आजादी का पूरा मजा लेने वाले हैं, जो आपके लव लाइफ को नया मतलब देगी। आप हमेशा उसी दिशा में जाना पसंद करते हैं जहां आपका मन करता है। आपकी प्रतिभा और रचनात्मकता आपको सबकी आंखों का तारा बनाती है और यही वो खूबियां हैं जिनसे आपने आपकी मोहब्बत के दिल में जगह बनाई है। करियर की बात करें तो अच्छा, आपका कार्य और घर दोनों आपके समय की मांग कर रहे हैं। किसी दुख या अप्रत्याशित बीमारी से आप आहत अवश्य हो सकते हैं, लेकिन आपके साहस में कमी नहीं आएगी। दूसरे के पाप पुण्य का हिसाब लगाने से पहले अपने अंदर की बुराई को
साफ कर लें। अपने दिल की सुने इससे आप निराश नहीं होंगी। अच्छा, आपके जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा और खुशियां आपका पीछा करेगी। अपनी सोच को बड़ा करें और छोटे छोटे निर्णय में समय ना गवाएं। सेहत की बात करें तो अच्छा, आपको अपने भावनात्मक विचार पर नजर रखनी होगी। हो सकता है पढ़ाई या फिर किसी काम का बोझ आप पर बना रहे। आप किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं ताकि आप तनाव कम महसूस करें। आप खुद को आराम भी दें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।